हेलो फ्रेंड्स, केवीएम टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ईद मुबारक के लिए इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। जैसे भी आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप अपने मोबाइल से इस प्रकार का पोस्टर बनाकर यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं और फोटो के नीचे यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर दोनों बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप भी इस प्रकार का पोस्टर अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो में आएगा मंट्स पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ईद मुबारक का पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको प्ले स्टोर में सबसे पहले पिक्सेल वेब को सर्च करना है। जैसे आप पिक्सेल वेब सर्च करोगे ये ऐप आ जाएगा, आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, चलिए इसे ओपन करते हैं। देखिए, जैसे आप अपने मोबाइल में पिक्सेल वेब को ओपन करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको इस न्यू टेक्स्ट हटा देना है। इसे हटाने के लिए आपको यहाँ पर इस डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे न्यू टेक्स्ट हट जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे इस बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप फ्रॉम गैली के आइकन पर क्लिक करोगे आपके फ़ोन की गैली ओपन हो जाएगी। आपको अपने फ़ोन की गैली में आ जाने के बाद इस इमेज को चूज कर लेना है जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैंने ये इमेज पहले से बना कर रखी है जिससे आपको पोस्टर बनाने में आसानी हो। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। चलिए अब आपको बताते हैं आप इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखिए, आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर kbmhelp.in लिखकर सर्च करना है। जैसे आप kbmhelp.in लिखकर सर्च करोगे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ईद पोस्टर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर ईद पोस्टर लिख दिया है। इस प्रकार आपको लिखकर यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करके सर्च करना है। जैसे ही आप ईद पोस्टर लिखकर सर्च करोगे ये पोस्ट आ जाएगी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा है ईद उल फितर पोस्टर डिजाइन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे आपको ईद पोस्टर बनाने के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिखेगा, आपको इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे पोस्टर का बैकग्राउंड आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार ये इमेज आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए, आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ले आना है। इसे यहाँ पर ले आने के बाद डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर आप सभी देशवासियों को लिख दिया है, इस प्रकार आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको नीचे यहाँ पर इस ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस ए वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाकर यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है। अब आपको कलर में यहाँ पर ब्लू वाला कलर चूज करके यहाँ पर टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर यहाँ पर ए बी फॉन्ट पर क्लिक करना है। ए बी फॉन्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई सा फॉन्ट चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट चूज कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको अपने इस टेक्स्ट को छोटा बड़ा करके यहाँ पर सही से रख लेना है, जिस प्रकार से आप रखना चाहते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर इसे रख दिया है, इस प्रकार आप भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको इस टेक्स्ट को यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर ईद उल फितर लिख देना है। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फिर से ए वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको रेड वाला कलर चूज कर लेना है और आपको टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर ए बी फॉन्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई सा फॉन्ट चूज कर लेना है जो आपको अच्छा लगे और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको इस टेक्स्ट को बड़ा छोटा करके यहाँ पर सही से रख लेना है, जिस प्रकार से आप रखना चाहते हैं। जैसे देखिए, मैंने ऐसे बढ़ाकर यहाँ पर रख दिया है। अब आपको फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस टेक्स्ट को यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट हटा देना है। इसे हटाने के बाद, जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस प्रकार आप भी लिख सकते हैं और आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको फिर से ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आगे जाकर कलर पर क्लिक करके कलर में आपको यहाँ पर ब्लैक वाला कलर चूज कर लीजिए और आपको टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर ए बी फॉन्ट पर क्लिक करके इसका फॉन्ट बदल देना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको इसके बाद फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट को यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर मुबारकबाद लिख देना है। इसके बाद अब आपको फिर से ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको फिर से ए वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको आगे जाकर फिर से कलर पर क्लिक करके इसका रेड कलर कर देना है और आपको टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर ए बी फॉन्ट पर क्लिक करना है और इसका फॉन्ट बदलकर ओके बटन पर क्लिक कर देना है।
अब देखिए आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाने के लिए फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली पर क्लिक करना है, जिससे आपके फोन की गैली ओपन हो जाएगी। आप अपने फोन की गैली में इसके बाद यहाँ से कोई सा फोटो चूज कर सकते हैं जिसे आप लगाना चाहते हैं। इसके बाद इतना सेलेक्ट कर लीजिए और आपको इसे टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। देखिए ये फोटो यहाँ पर आ चुका है। मैंने इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड पहले से हटा रखा है। अगर आप अपने फोटो के पीछे का बैकग्राउंड हटाना नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करिए, आप देख सकते हैं। अब आपको इस फोटो को छोटा करके यहाँ पर रख देना है, जैसे देखिए मैंने रख दिया है। फोटो को यहाँ पर रख देने के बाद फिर से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को ले आकर इस पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है और आपको यहाँ पर अपना नाम डालकर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ए वाले आइकन पर क्लिक करके इसका कलर बदल देना है। आपको कलर पर क्लिक करके यहाँ पर इसका व्हाइट कलर कर देना है और आपको टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करके इसका फॉन्ट भी बदल कर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर लेकर इस पर डबल टैप करना है और इसे हटाकर आपको यहाँ पर अपना नंबर लिख देना है। अब आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से ये वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाना है। आगे जाकर यहाँ पर कलर पर क्लिक करके फिर से इसका व्हाइट कलर करके टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह से आपको पोस्टर बनकर तैयार हो जाएगा। इसे सेव करने के लिए शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर सेव टू गैली पर क्लिक करना है, जिससे आपका पोस्टर गैली में सेव हो जाएगा। देखिए पोस्टर गैली में सेव हो चुका आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आई होप यू वीडियो आपको जो पसंद है, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।